सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन के बारे में। दोस्तों ब्लड रिलेशन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार आता है, तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से करोगे तो ये जो अपना टॉपिक है बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो बिल्कुल डिटो कॉपी रिपीट हुए हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लो या पेपर सेकंड की, दोनों के दोनों पेपर हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। इनके ओल्ड पेपर कीजिए अगर आपको नेट प्लस जेआरएफ लेना है तो। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो री एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, कुछ लोगों का हुआ था अगर आपको पता हो तो। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए कूट में से समुचित विकल्प को चुनिए। ये इन्होंने दिया है गाय दूध मधुमक्खी शहद शिक्षक, इसमें हमें बताना है। तो इसका आंसर हम बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं और यही क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कॉपी आया है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने देख लिया जैसे जुलाई 2018 का है, और पहले कब आया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए दोस्तों ये हमारा जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर बिल्कुल सेम डिटो कॉपी यही क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें मधुमक्खी शहद गाय दूध और शिक्षक दिया हुआ, उसमें क्या था कि ये जो गाय दूध है ये पहले दिया था, ये बाद में दिया था, इस तरह था। तो यानी कि बिल्कुल सेम है दोस्तों अगर किसी ने ये पहले क्वेश्चन किया है तो अब जो क्वेश्चन आया था बुल्का उसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा भी दोस्तों मैंने वीडियोज़ काफ़ी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि जुलाई 2018 में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे। करीब 18 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो बिल्कुल डिटो कॉपी रिपीट हुए थे। तो दोस्तों हमारे लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में, करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। दोस्तों वैसे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करना आसान होता है लेकिन काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ स्टेप को ध्यान में रखोगे, कुछ टिप्स को ध्यान में रखोगे तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिनको आप ध्यान में रख के बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर एक लड़का या लड़की, औरत, बूढ़ा बुजुर्ग, इस तरह से कुछ दिया हुआ होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई मेल है तो उसके सामने प्लस का निशान लिखेंगे और अगर कोई फीमेल है तो उसके सामने माइनस का निशान रखेंगे, क्योंकि इससे हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन लड़का और कौन सी लड़की है। देखिए अगर कोई आर नाम का लड़का है तो उसके आगे R प्लस लिखेंगे और अगर लड़की है तो S माइनस, इस तरह से लिखेंगे। कोई भी हम नाम दे सकते हैं जैसे SPRQ जो भी हमें देना है, बस प्लस और माइनस का हमें ध्यान में रखना है। और आगे आता है दोस्तों टिप्स नंबर 2, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारा सेम लेवल है जैसे कि भाई बहन है या कोई चाचा का लड़का है या पति पत्नी है, दोस्त है, तो उसके अंदर हम इस तरह से डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों अगर हमसे एक स्टेप ऊपर कोई रिश्ता है हमारा, जैसे कि हमारे पापा हो गए, हमारे चाचा हो गए या इस तरह से कोई भी हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर से लेके नीचे इस तरह का साइन लगाएंगे। और आगे आता है दोस्तों अगर हमसे दो लेवल ऊपर का कोई रिश्ता है, जैसे कि हमारे कोई दादा है, नाना है, दादी है या नानी है, इस तरह का कोई रिलेशन है, तो उसमें हम इस तरह का
पोजीशन, इस तरह की पोजीशन हम बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर से ही, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक एक लाइन को लेके चलना है, थोड़ी थोड़ी लाइन को लेके चलना है ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने कहा कि एक महिला ने, देखिए हमने यहाँ पे पहले एक महिला इस तरह से लिख लिया और इसके सामने माइनस का निशान लगा दिया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोई पर्सन है, ये फीमेल है। आगे देखिए, अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए, अपने पति, ये इसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। और राकेश का परिचय, ये देखिए ये राकेश है, ये महिला है अपने पति से राकेश का परिचय करवा रही है। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। इसके भाई के पिता, अब ये कह रही है कि इसके भाई के पिता यानी कि राकेश के भाई, यानी कि राकेश के भाई के पिता, इस तरह से हमने लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों हमें एक एक जो स्टेप है ना वो बड़े ध्यान से करना है। अब देखिए राकेश लिख दिया, फिर आगे भाई लिख दिया, इन दोनों के सामने प्लस प्लस लगा दिया तो हमें पता चल रहा है कि ये मेल है। और फिर हमने ये इस तरह से लिख दिया, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिख दिया, हॉरिजॉन्टल साइन दे दिया, इससे क्या पता चल रहा है कि इन दोनों का लेवल सेम है। और इसके भाई के पिता, पिता को हमने यहाँ पे लिख दिया, इतना लिख दिया दोस्तों। आगे हम देखते हैं आगे क्या है कि इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, देखिए इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, यानी कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि जो महिला है उसके दादा के इकलौते पुत्र क्या होंगे, ये हो गए, यानी कि महिला के जो पिता है वो उसके दादा के इकलौते पुत्र हो गए, ये यहाँ पे आ गई। और ये क्या कह रहा कि इसके भाई के पिता, यानी कि राकेश के भाई के पिता ये हो गए पी, और महिला के दादा के इकलौते पुत्र हो गए एफ, यानी कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एफ जो, यानी कि जो पी और एफ है ये दोनों के दोनों एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है ये दोनों के दोनों, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि अब देखिए दादा के, दादा का बेटा क्या होता है अपना, और इसने कहा है कि इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र का मतलब क्या हुआ, उसका बाप, यानी कि जो महिला है उसका पिता, और राकेश का भाई है उसका पिता, ये दोनों के दोनों एक ही आदमी है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो महिला है राकेश है और ये राकेश का भाई है, ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन है। तो इससे हमें अपना जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा कि जो महिला है वो राकेश की क्या लगती है, बहन लगती है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि जो महिला है वो राकेश की क्या लगती है, बहन लगती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को रोक के देख लेना, आसानी से ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। इसमें कहा है कि अजय राकेश का दोस्त है। तो सबसे पहले हम अजय और राकेश का रिलेशन इस तरह से लिख लेंगे। एक बुज़ुर्ग की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा वह कौन है, यानी कि अजय ने राकेश से पूछा एक बुज़ुर्ग की ओर इशारा करते हुए कि वो कौन है, यानी कि एक ये बुज़ुर्ग है इसके ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि ये कौन है, ठीक है। आगे देखते हैं, राकेश ने कहा, अब देखो राकेश बता रहा है, ये जो राकेश है ये बता रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, यानी कि उसका बेटा, बुज़ुर्ग का बेटा, ये हमने लिख लिया ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ ऐसे लिख लिया, बुज़ुर्ग का बेटा राकेश के बेटे का चाचा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बार इस फिगर को अच्छे से देखिए और इसमें जो बातें लिखिए इन दोनों को पढ़िए, आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये देखिए इसने कहा है कि मेरे बेटे का चाचा, यानी कि मेरे बेटे का अंकल क्या होता है, अब राकेश का क्या होगा, यानी कि सेम रिलेशन हो जाएगा, सेम लेवल का रिलेशन हो जाएगा, भाई का हो जाएगा, ठीक है। और जो भाई का जो पिता होता है वो क्या होता है अपना, वो होता है बाप होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें पता चल रहा है कि राकेश के बेटे का चाचा हो गया ये, ठीक है। और जो अपने बेटे का चाचा जो होता है वो अपना क्या होगा,
अपना भाई हो जाएगा और अपने भाई का जो पिता होता है वो अपना भी पिता होता है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये फादर आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस ग्राफ को आप अच्छे से देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हमने प्लस और माइनस कहीं भी नहीं लगाया। तो दोस्तों प्लस माइनस का यूज़ हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी मेल की बात हो रही है, कहीं भी फीमेल का जिक्र नहीं है। तो इसलिए हमने प्लस माइनस का जो ट्रिक है वो यहाँ पे हमने नहीं लगाई। अब ये देखिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि सी और डी बहनें हैं। तो सबसे पहले हमने सी और डी का रिलेशन यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, सी और डी दो बहनें हैं। उसके बाद में ए और बी भाई है, उसके बाद में हमने ए और बी दोनों का लिख लिया, ए और बी दोनों भाई, और इनके सामने प्लस प्लस निशान लगा दिया। अब देखिए ई जो है ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र इस तरह से हमने लिख लिया, जो ये ई है ए का बेटा है इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए और डी का भाई है, यानी कि ई जो है ए का तो पुत्र है और डी का भाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये लिख दिया और यहाँ पे हमने ब्रदर लिख दिया। अब देखते हैं कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि इस बी का इस सी से क्या संबंध है, ये हमें देखना है। तो देखिए हम क्या किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसने पहले ही कहा था कि सी और डी बहनें, ये दोनों की दोनों बहनें हैं, यानी कि जो रिलेशन डी का बी के साथ होगा वही सी का बी के साथ होगा। अब हम देखते हैं कि डी का बी के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए यहाँ से हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो उसमें पता चला कि जो डी है वो ई की बहन है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। और जो ई है, ई जो है ए का बेटा है, तो क्या हुआ कि जो डी है वो ए की भी बेटी हो गई, यहाँ से आपको पता चल रहा है। क्योंकि अब इसमें देखिए दोस्तों ई जो है ए का बेटा है, ठीक है, और जो ई है डी का भाई है, तो क्या हुआ कि जो डी है डी ए की बेटी हो गई, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। और ए जो है बी का भाई है, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जो बी है वो डी का क्या हो जाएगा, चाचा हो, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डी और बी का क्या संबंध है, चाचा का रिलेशन है इसके अंदर। तो दोस्तों आप ये ग्राफ देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इस पीडीएफ में हमने और भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो हमारे पीछे जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं वो अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।